महाराष्ट्र में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि शिवसेना से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। शत्रुत्व नव्हतंच ना, कधी शत्रु थोड़ी आहोत आम्ही। आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले, त्याच्यामुळे मतभेद उभे झाले ना। ते काही धुऱ्याचा वाद थोडी आहे की सुधीर भाऊचा धुरा काही उद्धवजीच्या धुऱ्याला लागू नये आणि त्यांनी यांच्या धुऱ्यावर काही अतिक्रमण केलं असं नाही आहे। त्याच्यामुळे हा काही आमचा धुऱ्याचा वाद नाही आहे किंवा आमचं कुठलंही शत्रुत्व नाही आहे, पण वैचारिक मतभेद आहेतच। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की ओर से दोस्ताना इजहार भी सामने आ गया है। मतभेद जरूर है और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ ये बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है ना। ये मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त है, बोला ना वैसे है, ये रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम, दोस्ती रहेगी राजनीति में। दोस्ती के इस इकरार के बीच दोनों दलों ने अभी साफ तौर पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिर से एक होने की बात पर भी फिलहाल दोनों ओर से इनकार है। दरअसल पिछले महीने उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अकेले में मुलाकात की थी, इसके बाद से ही बीजेपी शिवसेना के एक साथ आने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही महाविकास अघाड़ी संगठन में अनबन की खबरें सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।